मेरे किचन में आज मैं बनाने जा रही हूँ गोवन प्रॉन्स कटलेट। इन्हें गोवा में डांगर कहते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और ऑसम डिश है। इसे एज अ साइड डिश और एज अ स्टार्टर भी खाया जा सकता है। इसे जरूर ट्राई करें और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे के लाइक बटन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं गोवन प्रॉन्स कटलेट या गोवन डांगर। गोवन प्रॉन्स कटलेट बनाने के लिए मैंने लिया है एक कप प्रॉन्स। इन्हें मैंने क्लीन किया है, डिवेन किया है और अच्छी तरीके से वॉश किया है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 इंच अदरक फाइनली चॉप्ड, 1 हरी मिर्च फाइनली चॉप्ड और 2 बड़े चम्मच हरा धनिया फाइनली चॉप्ड। 3 मीडियम साइज के प्याज को इस तरीके से फाइनली चॉप करके लिया है, 1 बड़ा चम्मच इमली और 2 छोटे चम्मच गरम मसाला। बेसन मैं लूँगी आवश्यकता अनुसार। तेल फ्राइंग के लिए और रवा रोलिंग के लिए सबसे पहले मैंने प्रॉन्स को छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक और इसमें मिलाऊंगी थोड़ी सी हल्दी। अब इन सारे चीज़ों को मिला के इन्हें मैरिनेट करके रख दूंगी। अब एक बाउल में मैं डालूंगी प्याज, उसके साथ मैं डालूंगी हरी मिर्च, अदरक और बारीक कट किया हुआ हरा धनिया। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिला के इन्हें कवर करके 15 मिनट के लिए मैं रख दूंगी। 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसमें प्याज का बहुत अच्छा पानी छूटने लगा है। अब इसमें मैं मिलाऊंगी मैरिनेटेड प्रॉन्स, गरम मसाला, इमली और इन सारी चीज़ों को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से मिलाऊंगी। अब इसमें मैं डालूंगी बेसन। बेसन मैं डालूंगी आवश्यकता अनुसार, थोड़ा थोड़ा करके ही डालूंगी क्योंकि मुझे बेसन सिर्फ चाहिए बाइंडिंग के लिए। बहुत सारा बेसन डालने से ये अंदर से हो जाएंगे ड्राई, मुझे इन्हें रखना है मॉइस्ट। सो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालूंगी जितना इसे बाइंडिंग के लिए चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा सा बेसन करके डालूंगी। अब ये रेडी है। अब इन्हें मैं बॉल्स में रोल करूंगी। सबसे पहले लगाऊंगी हाथों में तेल और एक मुट्ठी भर मिक्सचर लेके बहुत प्यार से इसे बॉल बनाना है इस तरीके से। अभी इन्हें थोड़ा सा बीच में इसे फ्लैट बना दे, बहुत फ्लैट ना बनाएं, थोड़ा सा इस तरीके से फ्लैट बना के रख दे। यहाँ पे मैंने बना लिए हैं 3 कटलेट, आप देख सकते हैं इस प्लेट में। अब मैं इन्हें रोल करूँगी रवे में। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे क्योंकि हमने इनमें बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डाला है क्योंकि हमें इन्हें मॉइस्ट रखना है। अभी इस तरीके से आपको आराम से इन्हें रवे में रोल करना पड़ेगा। आराम से इन्हें रोल करके इस तरीके से सारे साइड से रवा लगा के आराम से डेलिकेटली इनको निकालना पड़ेगा इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने प्लेट में किस तरीके से तीनों मेरे कटलेट्स को लगा लिया है रवा इस तरीके से। अब मैं सबसे पहले गैस को ऑन कर दूंगी और गैस पे चढ़ा दूंगी मेरा फ्राइंग पैन। अभी फ्राइंग पैन में डालूंगी थोड़ा सा तेल। हमें ये इन कटलेट को बनाना है शैलो फ्राई, हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं। सो थोड़ा सा ही तेल डालेंगे और जैसे ही तेल गर्म हो जाता है हम सारे कटलेट्स को इनमें अरेंज कर देंगे इस तरीके से। और मीडियम हीट पे इन्हें बनाना है ताकि ये अंदर से अच्छी तरीके से कुक हो जाए। एक साइड से होने के बाद इन्हें फ्लिप करके दूसरे साइड से भी अच्छे से बनाना है जब तक ये क्रिस्पी ब्राउन दोनों साइड से ना हो जाए। अब ये आप देख सकते हैं दोनों साइड से क्रिस्पी ब्राउन हो चुके हैं और अब ये प्लेटिंग के लिए रेडी हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये क्रिस्पी ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इन्हें प्लेट में निकालूंगी बिल्कुल इस तरह और मैं इन्हें ज़्यादा गार्निश नहीं करूंगी क्योंकि इन्हें सिर्फ मैं रख दूंगी केचप के साथ और इस तरीके से सर्व करूंगी। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।